जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एज स्टडी पे। तो हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम 2021 के बारे में। फाइनली दोस्त, जिसका डर था वही हो गया है और क्या हुआ है इस वीडियो में आप लोग जानोगे, ठीक है ना। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा और जो भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना एयरफोर्स की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट पाने के लिए, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के लिए भी, ठीक ना। और लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक ना। वहाँ पर हर छोटी से छोटी बड़ी खबर आप लोगों को सबसे पहले मिलता है और स्टडी मटेरियल आप लोगों को वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, एस जी स्टडी सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, जरूर ज्वाइन हो जाना है आप लोग को, ठीक ना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और वहाँ पर जो भी पूछना है पूछ सकते हो मेरे से। आते हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग के जो मन में सवाल चल रहा है, सबसे पहला जो सवाल चल रहा है, क्या सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है या नहीं हुआ है, सर अगली डेट कब आएंगे एग्ज़ाम के अगर पोस्टपोन हो गया है तो, और जिनका सेंटर दूर है क्या होम सेंटर मिल जाएगा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो, सर एडमिट कार्ड का जो डेट है अगली वो कब आने वाली है, अगली एडमिट कार्ड कब तक आएगी, जो भी चीज बताने वाला पूरा प्रूफ के साथ बताने वाला हो, ठीक ना। तो बस आप लोग वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक, ठीक ना। और सपोर्ट के भी जरूरी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक ना। चलिए आप टॉपिक पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आप लोग का जो एडमिट कार्ड है मेरे भाई वो फाइनली रिलीज हो चुकी है, ठीक ना, आप लोग को पता है। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो ठीक 18 से चलेगा, कितना 24 के बीच में चलेगा। अब बहुत सारे बंदे का ये भी सवाल है कि सर नोटिफिकेशन में 18 से 22 ही दिया था लेकिन यहाँ 24 तक हो गया, मेरा एग्ज़ाम 24 तारीख को नहीं होगा क्या, ये गलत हो गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को पता है देश में कोरोना का हाल बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुका है और इसी के कारण क्या कर दिया गया है, मतलब इसी के कारण डेट बढ़ा दिया गया है, जिससे कि एक दिन में कम बच्चे को बुलाएंगे इसीलिए दो दिन उधर बढ़ा दिए, क्योंकि कम बच्चे बुलाएंगे तो इन्हें डेट जो दिन होंगे आगे बढ़ाने ही होंगे, डेट बढ़ाने ही होंगे, इसलिए दो दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, ठीक ना। तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से एग्जाम दे पाओगे, ठीक। अब आते हम यहां पर बात करते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा या हो गया है, ठीक ना। यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिछले साल की। आप लोगों को पता है मेरे भाई पिछले साल भी इसी टाइम में क्या हुए थे, आप लोग के एग्जाम के डेट रिलीज हुए थे, ठीक ना, और ऐसे एडमिट कार्ड आप लोग का निकल चुका था पूरा, फाइनली ऐसे ही हो चुका था और उसके बाद जाके आप लोग का जो था वो क्या हो गया था, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था मेरे भाई। आप लोग को बताते हैं, आप लोग का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था उसके बाद 19 मार्च से आप लोग का एग्ज़ाम था, ठीक ना, 19 मार्च से एग्ज़ाम था और आप लोग को ठीक 18 मार्च को क्या होता है, एक नोटिफिकेशन आता है एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, क्या चीज़ पोस्टपोन हो चुका है। क्यों हो चुका है, तो कोरोना है जो देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक ना, तो जिनके कारण क्या हो गया आप लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। और यही एग्ज़ाम आप लोग को कब करवाया गया मेरे भाई, ये मार्च का एग्ज़ाम आप लोग को करवाया गया जाके नवंबर में, नवंबर माह में आप लोग को ये करवाया गया एग्ज़ाम। तो देख सकते हो एग्ज़ाम के डेट कहाँ से कहाँ भाग गए थे पिछले बार। अब हम बात करते हैं इस साल क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आप लोग को बता देते हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बहुत बहुत चांस है, बहुत बहुत यहाँ पे चांस बन रहे हैं। अब क्यों बन रहे चांस, मैं आपको पूरा क्लियर में बताता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इंडिया के कुछ स्टेट हैं, कुछ स्टेट क्या बहुत ऐसे स्टेट हैं, कुछ ही स्टेट बचे होंगे, बाकी बाद सारे स्टेट में क्या हो चुके हैं, लॉकडाउन लग चुके हैं, ठीक ना, लॉकडाउन लग चुके हैं पूरे तरह से, ठीक। कुछ कुछ स्टेट जहाँ के पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन है, कुछ जो स्टेट है वहाँ पर रात को मतलब रात के लिए मतलब है। और बहुत सारे बंदे का मैसेज आया है, मैं उनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ लेकिन आपको दिखा देता, बहुत सारे इंदौर से बंदे हैं, पटना से बंदे हैं, दिल्ली से बंदे हैं, महाराष्ट्र से बंदे हैं, जो कि बोल रहे हैं कि सर इधर तो लॉकडाउन पूरा तरह से लगा है, एक भी गाड़ी जो है नहीं चल रहा है, ठीक ना, तो मैं कैसे एग्ज़ाम देने जाऊँगा, क्या सर एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड होगा। तो इस स्थिति में अभी एग्ज़ाम जो है शायद पोस्टपोन्ड होने के चांस हो सकते हैं, ठीक ना। अब बहुत सारे बंदा का एक और सवाल है कि सर उसी दिन मेरा एनडीए का एग्ज़ाम है, किसी का सीएसएसएल का एग्ज़ाम है, तो क्या सर मैं डेट बदल सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर उस डेट को आपका एग्ज़ाम है तो कोई एक ही एग्ज़ाम दे पाओगे, आप एनडीए दो या सीएसएल दो या फिर आप लोग जो एयरफोर्स का है वो दे पाओगे, मतलब कोई एक ही एग्ज़ाम दे पाओगे, डेट चेंज नहीं हुआ, इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हो जाती है, ठीक ना, मेरे को जहाँ तक चांस है कि हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि एक दिन में जो कोविड का रिपोर्ट जो आ रहा है ना वो लगभग एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा केस आ रहा है ऑल इंडिया, ठीक ना, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो है कि मतलब कि लॉकडाउन लग चुके हैं पूरी तरह से और रात को भी, तो आना जाना बहुत मुश्किल है बच्चे को,
वो जा नहीं पाएंगे सही से। तो मेरे को जहाँ तक चांस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि पोस्टपोन हो एग्ज़ाम। अगर करवा ले एयरफोर्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एयरफोर्स वालों को भी पता नहीं कि एग्ज़ाम वो पोस्टपोन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। इसका जो भी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक ना, और गवर्नमेंट ही बोलेंगे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन जहाँ तक चांस है कि एग्ज़ाम मेरे को लग रहे हैं पोस्टपोन होंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर पोस्टपोन होगी तो एग्ज़ाम डेट कब तक होगी, कब तक आएगी एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, ठीक ना, अगली एडमिट कार्ड कब तक आएगी अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होते तो। देखो मेरे दोस्तों, जैसे ही अगली एडमिट कार्ड आएगी तभी जब क्या होंगे, कोरोना जो होंगे थोड़ा कम होंगे, कोरोना कम होंगे तभी जाके अगली एडमिट कार्ड आएगी और अगली एग्ज़ाम डेट आप लोग की आएगी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को बता दिया जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा तो मैं सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि आप लोग को पता चल सके, ठीक, क्योंकि पता नहीं होता है बहुत बंदे को, जब एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो उनको पता नहीं होता है कि अगला एग्ज़ाम कब होता है और ऐसे में वो एग्ज़ाम भी छोड़ देते, तो ये गलती आप लोग मत करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि जानकारी आप लोग को मिल जाएगी टाइम पे। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिनका सेंटर दूर है क्या उनको होम सेंटर मिलेगा। अब देखो कि सेंटर में भी हो गया कुछ लफड़ा हो गया, जैसे कि कोई बंदा यहाँ पर देखेगा फर्स्ट चॉइस किया पटना, पटना भरा, सेकेंड चॉइस उसने भरा कहाँ, गया भरा, ठीक ना, बिहार में ही गया। उसके बाद उसने क्या भरा, थर्ड चॉइस जो भरा मेरे भाई वो भरा मुजफ्फरपुर भरा, ठीक, और फोर्थ चॉइस में उन्होंने क्या भरा मेरा भाई वाराणसी भरा, ठीक ना, वाराणसी भरा। तो वो क्या किया एयरफोर्स वाले, ना फर्स्ट चॉइस दिया, ना सेकेंड चॉइस दिया, ना थर्ड चॉइस दिया, और फोर्थ चॉइस जो सबसे लास्ट चॉइस है वाराणसी, उनका सेंटर वही दे दिया है। अब बताओ यहाँ पर पटना है और पटना से इनको जाना है क्या एग्ज़ाम देने, वाराणसी जाने देना है, कहाँ, वाराणसी देने जाना है। अब देखो कि मतलब कि बिहार में भी है लॉकडाउन लग चुके हैं, बिहार में भी लॉकडाउन लग चुके हैं, 18 तक लॉकडाउन है, 7 बजे से सारा चीज़ बंद हो जाता है बिहार में भी, ठीक ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है यहाँ के लड़कों को वाराणसी तक, या कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे मतलब कि नाइट कर्फ्यू लग रखी है, जैसे दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग रखी है, तो फिर दिल्ली से अगर किसी को पटना दे दिया है सेंटर तो वहाँ से इधर मतलब क्रॉस करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक ना। तो ये बात यहाँ पर आती है। देखो अब मैं बात करता हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर मतलब कि होम सेंटर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जिनका दूर सेंटर है। तो मैं पिछले बार देखा हूँ अपने दोस्त को जिनका दूर था, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट चॉइस ही कोलकाता भरा था, ठीक ना, फर्स्ट चॉइस ही कोलकाता भरा था, तो उनका जो सेकेंड एडमिट कार्ड आया था उसमें उनका जो था कोलकाता ही था, ये नहीं था कि उनका होम सेंटर मिल गया, तो वो एग्ज़ाम देने नहीं गया भाई लॉकडाउन की वजह से, और ट्रेन में कोई टिकट विकट नहीं मिल रहा था उस टाइम, ना कोई ट्रेन चल रहा था, तो एग्ज़ाम देने नहीं गया। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि किसी का पटना था, फिर वो था, फिर वो था, चौथा नंबर में था और वही दे दिया, तो इन वाले को ज़रूर मिल जाएगा जो फर्स्ट चॉइस था ना, इनको होम सेंटर मिल जाएगा अगर हो सकता है तो, नहीं तो सभी को मिल सकता है अगर कोरोना केस अगर ज़्यादा बढ़ा तो। लेकिन पिछले बार के रिकॉर्ड के अनुसार मैं बताऊँ तो नहीं मिलेगा जिनका भी फर्स्ट चॉइस दूर भरे हैं तो, ठीक ना। लेकिन जो पहला चॉइस जिनका लग है और उनको जान से दूर कर दिया एयरफोर्स वाले, तो उनको मिल जाएगा मौका, ठीक। तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पर सारा डाउट आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिए हैं, अगर अभी भी कोई डाउट बच रहा है ना तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी कुछ भी जो भी पूछना पूछ सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के हर स्टडी मटेरियल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक फ़ायदा यही हो जाएगा कि जो भी बंदे अगर अच्छे से तैयारी नहीं किए तो आप लोग को तैयारी करने का फिर से एक अच्छा खासा मौका मिल गया है, ठीक ना। आप लोग अभी से जुड़ जाइए और यहाँ पर आप लोग को क्लास भी मिल जाएगा, ठीक ना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना, तो यहाँ पे क्लास भी देखने को मिल जाएगा। और जिनकी तैयारी बेस्ट है वो कंटिन्यूअसली करते रहो, आपके लिए और भी अच्छा होगा एग्जाम में, ठीक ना, आप लोग और अच्छा कर पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की, तो सपोर्ट करो यार, अभी जितना सपोर्ट मुझे करोगे ना उतना मैं आप लोगों को सपोर्ट करने वाला, तो सपोर्ट करो, ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।